एक्शन प्रोग्राम के तहत आज सिंपोजियम हो रहा है, जिसमें टोटल 6 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 7 पार्टिसिपेंट रहेंगे। कि विनती है इस देश की सरकार से, कदम उठाओ, बचाओ नौजवानों को इस नशे की मार से। नशा मुक्त भारत बनाना है। जय भारत, जय हिंद। कि हाय, ये नशे की बीमारी ना जाने कहां से आई है, घर घर में इसने ये कैसी आग लगाई है। कई चढ़ गए सूली पर, कईयों ने जान गवाई है, अपने ही हाथों से माता पिताओं ने अपने बेटों की अट्ठी सजाई है। नशा रूपी जीवन को बंद करने के लिए हम सभी को एक सहयोग देना होगा। एक के कहने से ये नशा नहीं रुक सकता। हमें इस एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और इस नशा रूपी जीवन को बंद करना होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा का बहुत बहुत शुक्रिया कर लेता हूं कि उन्होंने आज ये सिविक एक्शन प्रोग्राम है यहां पे एक्टिविटी रखी। आपको पता कि आज का सबसे चैलेंजिंग काम ही यही है, ड्रग्स को दूर करना। बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता हुई। सांबा जिले के सभी डिग्री कॉलेजों ने इसमें भाग लिया है। एक से एक बढ़कर स्पीकर थे, वक्ता थे और बड़े अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे समझाया। नशे के विरुद्ध पुलिस का बड़ा अभियान है, जागरूकता अभियान है। इसमें हम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, बच्चों के माध्यम से उनके घर वालों को जोड़ना चाहते हैं। और जब छात्र छात्राएं इसमें जुड़े हुए होंगे तो फिर नशा पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अब सांबा पुलिस का लक्ष्य तय हो चुका है, पूर्णता नशे का अंत। जो नशे का गुरख धंधा करने वाले हैं, हीरोइन बेचने वाले स्प्लायर्स हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक्स भी होंगे, कानूनी कार्रवाई भी होंगी और जागरूकता अभियान भी चलेगा ताकि जट से इसको उखाड़ा जाए और इस प्रकार का कोई लानत रहे ही नहीं समाज और सांबा जिला नशा मुक्त हो। कि पुलिस जब करने पर आ जाती है तो करती है और करके दिखाती है। यही जम्मू कश्मीर पुलिस की पहचान है और इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस भारत देश में विशेष स्थान रखती है। भारत माता की जय।